नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। अब लोकसभा नतीजों के बाद सांसदों ने शपथ लेना शुरू कर दिया है। नई लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो गया। इस बार चुनाव में जो भी नए सांसद अपना चुनाव जीत कर आए हैं, अब पहली बार नई संसद में वो दिखाई दिए हैं। तो आज आपको कुछ दिलचस्प तस्वीरें दिखाएंगे नई लोकसभा की, रंग बिरंगी तस्वीरें, आपको ये मजा आएगा। लेकिन उससे पहले आज की कुछ जानकारी आपको दे दूं, क्योंकि नई संसद में नई लोकसभा का पहला सत्र आज शुरू हुआ। पहला दिन था, राष्ट्रगान के साथ इस सत्र की शुरुआत हुई। सत्र शुरू होने से पहले ही जो दिवंगत सांसद हैं, ऊपर जरा जानकारी दिखाइए, दिवंगत सांसदों के लिए मौन रखा गया। फिर उसके बाद जैसे ही नए सांसदों ने शपथ लेना शुरू किया, हंगामा शुरू हो गया। माना यही जा रहा था कि इस बार इंडिया गठबंधन यानी विपक्षी गठबंधन मजबूत हुआ है तो टकराव और तेज होगा। बिल्कुल हुआ भी वही। देखिए, प्रधानमंत्री जब सुबह सबसे पहले संसद पहुंचे, ये तब की तस्वीरें, उसके बाद पीएम ने शपथ ली, फिर उसके बाद और सांसदों ने, कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली और सांसदों ने शपथ लेना शुरू किया। प्रोटेम स्पीकर की शपथ सुबह हुई थी, उस पर भी विपक्ष ने हंगामा किया। जो कुल मिलाकर दो दिन, आज और कल नए सांसदों की शपथ होगी। आज शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की, कुल 280 सांसद आज शपथ नई संसद में ले रहे हैं। अब जैसे ही आज की यह कार्यवाही शुरू हुई, इंडिया गठबंधन ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। और जाहिर है सबसे बड़ा मुद्दा इंडिया गठबंधन के लिए अभी भी संविधान का ही है। ज्यादातर विपक्षी सांसद आज अपने हाथ में संविधान की कॉपी लेकर आए थे, चाहे वो कांग्रेस के सांसद हों या फिर समाजवादी पार्टी के, और भी कई अन्य विपक्षी दलों के सांसद हाथों में संविधान की कॉपी लेकर आए थे। और संविधान की कॉपी दिखाकर उन्होंने अपना विरोध जताया और नारे लगाए, संविधान तोड़ना बंद करो, बंद करो। अब आपको तस्वीरें दिखाता हूं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ लेते हुए तस्वीरें देखिए। आपने पहले उनकी तस्वीर शपथ लेते हुए, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए देखी थी। अब आज संसद में जब सांसद के तौर पर पीएम ने शपथ ली, जरा वो तस्वीरें दिखाइए। ये देखिए, सबसे पहले आज पीएम ने ही शपथ ली। आइए जरा सुनते हैं इसको। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तो प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, सबने अपनी अपनी शपथ ली। लेकिन इंडिया गठबंधन आज अलग ही अंदाज में नजर आया। जरा वो तस्वीरें भी देखिए। इंडिया गठबंधन के ज्यादातर दलों के नेता सांसद अपने अपने हाथ में संविधान की कॉपी लेकर आए थे, लाल रंग का छोटा सा एक किताब लेकर आए थे, संविधान की किताब, और उसे दिखाकर अपना विरोध आज भी जता रहे थे। जरा वो तस्वीरें दिखाइए सदन के बाहर। ये देखिए तस्वीरें, सबके सांसदों के हाथों में आपको संविधान की छोटी छोटी ये कॉपीज दिखाई देंगी। फिर सदन के बाहर ये हंगामा हुआ। फिर अखिलेश यादव जब आए सदन में, जरा ये तस्वीरें भी देखिए। ये देखिए अखिलेश यादव अपने सारे 37 सांसदों को लेकर, खुद उसमें वो शामिल हैं, 36 सांसदों को लेकर जब लोकसभा की तरफ आए तो सबके हाथ में संविधान की कॉपी थी। ये देखिए, एक हाथ में अखिलेश यादव ने संविधान पकड़ा है और बाईं तरफ हाथ थामा हुआ है अयोध्या से अपने सांसद का। यह भी क्या संदेश देने की कोशिश है, इस पर भी आज आगे बात होगी। फिर अखिलेश यादव के साथ सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, और फिर जब अंदर भी गए तो अयोध्या से सांसद, फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव ने अपने साथ ही बैठाया। यह भी बड़ी दिलचस्प तस्वीर थी। अब आगे चलते हैं। जब धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री, अपनी शपथ लेने जा रहे थे, तब क्योंकि पेपर लीक का मुद्दा गर्म है, विपक्षी सांसदों ने उनका विरोध किया।
जब धर्मेंद्र प्रधान उठकर शपथ लेने जा रहे थे, ये देखिए जरा, आइए सुनते हैं इसको जरा। तो धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेते हैं इसके बाद, लेकिन इससे पहले आज जब संसद का यह सत्र शुरू होने वाला था, प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले आज मीडिया के सामने आए और उन्होंने सीधे सीधे विपक्षी गठबंधन को, विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा कर दिया और उन्हें कह दिया कि लोगों को आपसे ड्रामे की उम्मीद नहीं है, विपक्ष से लोग चाहते हैं कि वो लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखे। जरा सुनिए क्या बोले प्रधानमंत्री। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की, विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा। साथियों, सदन में सामान्य मानवीय की अपेक्षा रहती है, डिबेट की, विजिलेंस की। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। क्योंकि देखिए, जो जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पर कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद। थैंक यू। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। धन्यवाद। राष्ट्र की बात में अब आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज पहला सवाल, नई संसद के पहले दिन संविधान पर ये आर पार क्यों? पर आज का दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री क्यों बोले संसद में नहीं चलेगा ड्रामा? क्या विपक्ष वाकई ड्रामा करता है या कर रहा है? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ